हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब.इन। आपके लिए एक और लर्निंग वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंपल ऑर्डर यानी नॉर्मल ऑर्डर, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये देखेंगे। हालांकि काफ़ी सारे वीडियोज इसके बारे में अवेलेबल हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रिगर प्राइस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये हम देखेंगे, जीरोधा में भी और अपस्टॉक्स में भी देखेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, सेम है। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा क्विकली इंट्रो देना चाहूँगा। हम रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस के बारे में एक वीडियो पब्लिश करते हैं अराउंड 8:30 AM। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे अगर प्रेस किया है, तो सुबह आपको मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और मार्केट आवर्स के पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, और हो सकता है निफ्टी ट्रेडिंग करते वक्त आपको इसमें अच्छा फ़ायदा हो। और एक चीज़ है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है जीरोधा और अपस्टॉक्स का, जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया में। तो इन दोनों में से कोई एक अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर ओपन करते हैं, तो ट्रेडिंग फैब के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स का ये हमारा अकाउंट है, तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले सिंपल ऑर्डर देखते हैं यानी नॉर्मल ऑर्डर। देखिए, हर एक ब्रोकर अपना कुछ थोड़ा यूनिक नाम रख देता है ऑर्डर का, यूनिकनेस लाने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल को सिंपल बोला गया है। अगर ब्रैकेट ऑर्डर देखें तो यहाँ पर OCO नाम दिया है ब्रैकेट ऑर्डर को। जीरोधा में अगर आप देखेंगे, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जैसे MIS यानी इंट्राडे ऑर्डर हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन आता है। यहाँ पर BO नाम दिया है ब्रैकेट ऑर्डर के लिए, और अपस्टॉक्स में इसे OCO का नाम दिया गया है। थोड़ा यूनिक लेस लाने के लिए थोड़ा चेंजेस ये ब्रोकर्स करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ऑर्डर सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिमिट, ऑर्डर टाइप लिमिट। अगर आपको करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके नीचे अगर प्राइस आता है तो बाय करना है आपको, तो आपको लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करना है। यानी अगर सपोज रिलायंस का 1210 का प्राइस चल रहा है CMP, और आपको अगर प्राइस नीचे आता है यानी 1205 तक आता है तो आपको बाय करना है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर टाइप लिमिट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर मार्केट प्राइस यानी जो अवेलेबल सेलिंग ऑर्डर सभी अवेलेबल है उनके ऊपर आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं। पोजिशन डिलीवरी। अपस्टॉक्स में एक एडवांटेज है कि आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करते वक्त 50% का मार्जिन मनी मिलता है आपके फंड के ऊपर, तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। बाद में क्वांटिटी आपको जितना चाहे उतना आप डाल सकते हैं। बाय प्राइस 1205 और बाय कर सकते हैं। जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑर्डर बुक है, आपका ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देगा, और फिलहाल अगर पेंडिंग है तो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंप्लीट करके आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो ये बात है सिंपल ऑर्डर की। तो अब देखते हैं कवर ऑर्डर के बारे में। कवर ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तभी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कवर ऑर्डर में बाय प्राइस और स्टॉप लॉस, इन दो चीजों को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कवर ऑर्डर सिलेक्ट करना है और इसमें मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस आप रख सकते हैं। मार्केट प्राइस अगर रख देंगे तो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिमिट रख देंगे तो आपका बाइंग प्राइस आने तक ये वेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इंट्राडे पोजीशन के लिए ही कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, क्वांटिटी डालना है आपको 50, बाय प्राइस डालेंगे 1205, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जब आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर एक रेंज प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर ही आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करना है। तो हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं 1200, और जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, दो ऑर्डर्स आ जाएंगे, एक बाय प्राइस के लिए और एक स्टॉप लॉस के लिए। अगर बाय प्राइस मार्केट में होगा तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फंक्शंस है इसको कैसे प्रैक्टिकली करना है, इसके लिए पहले आप एक छोटा सा जो 100 प्राइस का शेयर है उसका एक क्वांटिटी बाय करके देखिए कवर ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट होता है, बाद में ऑर्डर बुक में कहाँ पर आता है, कैसे दिखाई देता है। तो इसके लिए ट्रायल एंड एरर के लिए पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई 100 प्राइस का शेयर होगा उसे बाय करके देखिए एक शेयर, ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसमें, हुआ तो भी 1-2-3 रुपए ही आपका लॉस जाएगा, लेकिन सीखने मिलेगा अच्छे से। ठीक है,
तो देखते हैं अभी ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, ओसीओ सिलेक्ट करना है आपको अपस्टॉक्स में। उसके बाद ऑर्डर टाइप लिमिट या फिर एसएल लिमिट। तो अभी ये एसएल लिमिट क्या है, जब आप एसएल लिमिट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस का एक ऑप्शन ऑन होता है। ट्रिगर प्राइस कब हम यूज करते हैं ऑर्डर प्लेस करते वक्त, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक का चार्ट है, प्राइस चार्ट। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है। ये ऊपर का ब्रेकआउट लेवल है 1225 और नीचे का ब्रेकडाउन लेवल है 1220। अगर ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चला जाता है यानी 1230 के पास चला जाता है तो हमें बाय ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऐसा ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमें ये ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन काफी यूजफुल होता है। तो देखते हैं कैसे इसे प्लेस करना है। यहां पर क्वांटिटी डाल देता हूं 50 और ट्रिगर प्राइस में हम डालेंगे 1230। सीएमपी चल रहा है 1225 और हमने ट्रिगर प्राइस डाला है 1230, यानी जब प्राइस 1230 के पास आएगा, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस 1230 के ऊपर जाएगा तभी हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा। और हमें यहाँ पर एक रेंज डालनी है, बाय प्राइस का रेंज। तो मैं यहाँ पर 1232 प्राइस एंटर करता हूँ, यानी 1232 और 1230 के बीच में अगर कोई सेलिंग ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है तो हमारा बाय ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी का जमाना ऑल्गो ट्रेडिंग, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, स्काल्पिंग का है, तो बाय चांस कभी ऐसा होता है कि प्राइस शूट हो जाता है, जंप आ जाता है प्राइस में, तभी आपका ये बाइंग रेंज काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके रेंज में अगर कोई सेलिंग प्राइस का ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट भी ना हो। तो बाय प्राइस का रेंज डालते वक्त काफी ध्यान रखें। कभी अगर 4 डिजिट का स्टॉक हो तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स का गैप रखे। अगर कोई छोटा स्टॉक है यानी 80 रुपीज 50 रुपीज का, तभी आपको यहाँ पर चल सकता है कि 79.5 ट्रिगर प्राइस दे दिया और बाय प्राइस 80 यानी 0.5 का आपने रेंज यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो बाय चांस कभी सडन जंप होता है तभी हो सकता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि वहां पर सेलिंग प्राइस का ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता। तो उसके बाद स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना है और टारगेट। ब्रैकेट ऑर्डर में 3 चीजें आप प्लेस करते हैं, एक बाइंग प्राइस, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं डिफरेंस का। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सपोज 2, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 77.5 और टारगेट देता हूँ 4 पॉइंट, तो यानी मेरा टारगेट हो जाएगा 83.5, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में ये कहीं भी अगर सेलिंग प्राइस अवेलेबल है ऑर्डर सेलिंग प्राइस का, तो वहां पर हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। और यहाँ पर बाय करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर बुक में दिखाई देगा। अगर एग्जीक्यूट होता है तो कंप्लीट स्टेटस दिखाई देगा, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर आपको यहाँ पर पेंडिंग में दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको कैंसिल करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जीरोधा में भी सिमिलर है, काफी कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन ऑन करना है तो एसएल पे आपको क्लिक करना है तो ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन ऑन हो जाता है। ये बाय के बारे में, बाय ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं इसके बारे में देखा। सेल ऑर्डर के लिए सेम इसके उल्टा करना है, वाइस वर्सा, काफी ईजी है, आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक कोई तो 100 रुपीज वाला स्टॉक एक क्वांटिटी का बाय करके देखिए, कवर ऑर्डर में, ब्रैकेट ऑर्डर में, कहाँ पर ऑर्डर बुक में ये प्लेस होता है ये देखिए। तुरंत आप बाय सेल करेंगे तो खासा लॉस नहीं होगा, सीखने मिलेगा आपको। तो पहला आप ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर क्या होता है ये जान लीजिए, तो आपको ट्रेडिंग करते वक्त काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।